Hi guys, this is Sonam Bajwa. Hello, this is Diljit Dosanjh. Download the Bollywood Times app right now. You know, it's good to fall sometimes in life because you have someone to lift you up. आज हमें लिफ्ट कराएंगे हमारे गेस्ट दिलजीत दोसांझ जो कि सुपर सिंह है एंड सोनम बाजवा द सुपर हीरोइन ऑफ द फिल्म. द रीजन आई सेड दिस पाजी, हाँ जी, कि मतलब कभी कभी गिरना अच्छी बात है ताकि आप जाके लिफ्ट करा दो. तो ऐसा कभी मौका हुआ आपकी नजरों से? नहीं गिरना चाहिए. हाँ, नजरों से आदमी नहीं गिरना चाहिए, करेक्ट. बाकी तो कहीं से भी गिरेगा, कोई नहीं उठ जाएगा. और जब गिरने के बाद आप उठते हो, मायने वही रखता है कि उसके बाद आप कैसे उठते हो. मतलब आप हाथ रख के उठ जाते हो या एकदम से सीधा उठ जाते हो. इतनी बड़ी वाह वाली बात नहीं थी. आपकी पहली फिल्म, पहली सुपर हीरो फिल्म आपने कौन सी देखी? ओए ओए, ये तो बाद में आए सारे, स्पाइडरमैन, होल मैन, सारे मैन. नहीं यार, मैं थोड़ा सुपरमैन टाइप भी सेगा. निक्के होंदे आया नहीं सी है? बहुत पुराने हैं. तेरे पिंड केबल नहीं लगी होनी, दाढ़ी लगी सी. ते तुसी शक्तिमान देखे? हाँ जी. मेरे भरा नु भी शक्तिमान पसंद सी. शक्तिमान, हाँ, शक्ति. और पहले रामायण, फिर महाभारत, उसके बाद शक्तिमान. मैं अपनी गल पूरी करा, मैं पूरी करूँ कि जैसे रामायण जब आती थी तब भी गाँव ऐसे सुनसान हो जाता था, जब महाभारत आता था तब भी गलियां सुनसान थी, और जब शक्तिमान आता था तब भी ऐसे हुआ. तो ये सीरियल बड़े पॉपुलर हुआ. शक्तिमान डेफिनेटली, वो तो कल्ट है एक्चुअली. कल्ट, हाँ, एक्चुअली शक्तिमान ही होना चाहिए. शक्तिमान भाई, शक्तिमान है. आपने कौन सी पहली सुपर हीरो फिल्म देखी? फिल्म नहीं थी, नाटक था. मैं कहा नहीं क्या, मतलब देखी, पर सुपर हीरो पहला मैंने शक्तिमान देखा. उसके बाद या स्पाइडरमैन, बैटमैन, डेडपूल. ओह, सीधा डेडपूल डायरेक्ट. या सो मेनी, बट देयर इज नोबडी लाइक सुपर सिंह. देयर इज नोबडी लाइक. सो आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू दिलजीत पाजी कि एक क्वालिटी सुपर सिंह की और आपकी रियल लाइफ में कौन सी मिलती जुलती है? टर्बन पाजी, मैं टर्बन मैं बांधता हूँ, और सुपर सिंह भी टर्बन बांधता है. और जो भी बंदा टर्बन बांधता है जिसके नाम के पीछे सिंह लगता है वो सुपर ही. टेल मी समथिंग, बालाजी पाजी हैड मेड अ सुपर हीरो फिल्म, ठीक है, कॉल्ड अ फ्लाइंग जट. जी जी, इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी यू नो लाइक अ गाय कमिंग फ्रॉम यू नो पंजाबी सिख एंड प्लेड बाय टाइगर. इतनी नहीं चली जितना एक्सपेक्टेशन था, ठीक है. यू थिंक you being a Punjabi and you've done enormous, you know, you are a superstar in the north, you think that really helps jab aap koi film kar rahe ho? Waise bhi ye Punjabi film hai, it's not a Bollywood film, lekin universally appeal karegi to someone who is you know a non Punjabi also. Mujhe lagta hai ki jo picture achhi hoti hai aur agar logon ko trailer aur promo pasand aate hain, gaane pasand aate hain, to connect kar lete hain, to connect ho jayega. Wo kisi ki bhi ho, aisa nahi ki wo meri ho ya kisi ए बी सी, किसी की भी हो, किसी भी आर्टिस्ट की हो, जो ट्रेलर अच्छा है, फिल्म अच्छी बनी है और गाने वाने अच्छे हैं, लोगों को मजा आ रहा है आके देखने में, तो वो कनेक्ट कर ही जाते हैं. उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि आप नॉर्थ के स्टार हो, फलाने के स्टार हो, यहाँ के स्टार हो, वहाँ के स्टार हो. स्टार तो ऑडियंस है, तो उनको पसंद आएगी तो सब ठीक है. दिस इज थर्ड फिल्म टुगेदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. वेरी गुड. व्हाट इज इट दैट वन थिंग दैट दिलजीत दोसांझ शुड इम्प्रूव ऑन? I think he's a workaholic. He can take some time off, little bit, go on holidays a little bit more. But I know ki bahut enjoy karte hain apna kaam. He doesn't want, but I just feel maybe sometimes. That's the only thing I would say. Jo maine observe kiya, but other than that, everything. Ye sawal pass on aapko hota hai. What is that one thing now in the third film with Sonam Bajwa that she should improve on? Improve? मुझे सोनम की 84 की लुक बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा. सूट वाली. ऑफ़न मैं इसको कम इनको कम देखता हूँ वैसे, सूट और चुन्नी. ट्रेडिशनल. हाँ, तो मैं खुद चादरा पहन के नहीं रखता. मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं पसंद की बात कर रहा हूँ. मुझे वो लुक सोनम की आज तक की सबसे बेस्ट लुक मुझे वो लगती है. ओके. तो
मैं चला कहते कहते सूट भी पहन गया so she should keep on working on that look. अगर एक्चुअली ऐसी फिल्में करने का बार बार हर लेकिन प्रमोशन में आप पहन सकते हो कभी नहीं बट वैसी लुक में प्रमोशन में कैसे पहन सकती हूँ उसमें तो छोटी एंड तो ऐसा लगेगा इन्होंने गांव से किसी को इंपोर्ट कराया हुआ है. He just keep on looking at you. जो मुझे जानते हैं वो सब सबको पसंद सबको पता है कि दिलजीत को उसकी वो पहली लुक पसंद है जो वो सूट और वो चुन्नी में थी. दिलजीत पाजी आपकी म्यूजिक की शुरुआत आपने पहले शो में अपने शो में बताई थी बट विच इज वन सॉन्ग यू हैड मेंशनड अबाउट योर पैशन फॉर म्यूजिक वेयर इट कम्स फ्रॉम राइट. आई वांट टू नो टुडे विच वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू हर्ड विच ट्रिगर्ड यू दैट दिस इज अमेजिंग दिस इज द सॉन्ग दैट आई कैन कीप ऑन हियरिंग अगेन एंड अगेन. वो पहला ऐसा कोई गाना कुलदीप मानक साहब के गाने ओके इन द मॉर्निंग सर मैंने इसका जूक बॉक्स सुना. किसका? सुपर सिंह. अच्छा अच्छा अच्छा. आई रियली लाइक द सॉन्ग्स. आपने आई थिंक यू सॉन्ग थ्री सॉन्ग्स फोर एक डुएट सॉन्ग है हाँ सुनीति चौहान के साथ करेक्ट 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 वो मैंने सुना था करेक्ट. हाँ जी आप गाएंगे डुएट? हाँ ये गाएंगे तो मैं पक्का हाँ डन चलो तो वही गाना गाएंगे. शुरू यहीं से होता है. अच्छा शुरू यहीं से होता है. नो आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स. आई थिंक यू शुड रिपीट देन व्हाटएवर ही सिंग्स. हाँ आई विल डू दैट. आई विल सिंग विद हिम. गुड. हो साडे अपर आते हुड्डी फिर बली है छड़ी हाथ ना हाथां दे विचों मेरा नहीं 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 अपने लन बोल. अच्छा मेरा हवा विच उड़दी फिरा मैं हानिया मैनू प्यार उंडौंदा तेरा. पेश है अगली पंजाबी कलाकार सोनम बाजवा. आपने कभी सोचा नहीं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी माइग्रेट करें क्योंकि यू हैव आल्सो डन फोर फिल्म्स. इमिग्रेशन माइग्रेशन कनाडा अमेरिका सुनी थी बॉलीवुड भी हो रही है. सोचा ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बट देयर आई एम श्योर देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग सो व्हेनेवर लाइक अ रियली गुड फिल्म हैपेंस आई वुड लव टू डू इट. जैसे पाजी ने तो फोर्स उड़ता पंजाब में मतलब मेरी नजर में कोई हिंदी फिल्म पंजाबी फिल्म ऐसा कुछ नहीं है. एक यूनिवर्सल यानी एक अच्छी फिल्म ना एक अच्छी फिल्म किसी भी रीजन में बने वो ट्रैवल करती है और एक बुरी फिल्म किसी भी रीजन में बने वो आपके लिए बुरा ही है. तो आप एक अच्छी फिल्म का पार्ट हो वो किसी भी जगह पर बनी हो चाहे वो पंजाबी लैंग्वेज में बनी है मराठी में बनी है हिंदी में बनी है तो वो अच्छा है. तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि एक अच्छी पिक्चर्स का पार्ट बनूँ बस ये बेस्ट होना चाहिए. बाकी काम आपका ट्रैवल करता है तो धीरे धीरे पहुँच ही जाओगे आप कहीं भी. यार इनके ऊपर किसी को बुक लिखनी चाहिए मतलब मेरा क्या लिखनी चाहिए बुक बुक किताब. अच्छा बुक लिखनी चाहिए. He's such a philosopher. इनको बुक लगनी चाहिए. Haven't written any book नहीं. He's saying you're such a philosopher. You're such a philosopher because your answers, Paji, are actually no. I'm serious. You know, they just doesn't make sense. I think you speak the truth in the most easiest way possible. You know what I'm saying? Hats off. वाहिगुरु. याद है आपको पहले शो में आपने अनुशु के साथ वो गिफ्ट में थोड़ी अदला बदली कर हो गई थी मिस्टर बीन और पोपोय की. वो तो आपने दिया था ना भाजी. हाँ तो आज कुछ अलग पेश करूंगा. वो काफी देर चला मेरे साथ उसके बाद ना मेरे फ्रेंड्स ने खराब कर दिया उसको. उसके टांगे वांगे कई मोड़ दिए थे. हाँ तो वो खराब हो गया बेचारा. अच्छा वो ठीक है लेकिन काफी देर मेरे साथ रहा. तो आज आज भी कुछ अदला बदली अगर पाजी चाहेंगे तो कर सकते. अभी आप चूज करें कौन सी आप लेंगे. बोले बोले किताब तो नहीं है. किताब ही है यार. किताबा नहीं पढ़ता भाई मैं. खड़ा नहीं लेकिन ये पढ़ने वाली किताब कम है और देखने वाली ज्यादा है. देखने वाली ज्यादा है. अच्छा देखने वाली मतलब कुछ रेयर इनसाइट्स है. ओए होए 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 तो ये पाजी इंग्लिश में वो है इंग्लिश में ये है इंग्लिश में ये है इंग्लिश में. तो भाई जो तेरे को अच्छी लगती है तू रख ले. डीसी एंड मार्वल. वाओ अमेजिंग अमेजिंग. मुझे मार्वल मिला ना. हाँ मार्वल. वेरी गुड. अच्छा आप फैन है मार्वल के. अरे मार्वल मानो कितनी देर बचोगे मेरे से. आ रहा हूँ मैं. आ रहा हूँ. सुपर सिंह डेट याद रखना. सुपर सिंह 16 जून. आई वांट टू टॉक अबाउट अनुराग. हाँ जी हाँ जी. डायरेक्टेड अ फिल्म विथ यू बिफोर. यस यस. सो ही डायरेक्टेड फोर फिल्म्स विथ यू बिफोर. आई वांट टू नो हाउ इजी पाजी इज इट टू ट्रस्ट समवन हु हैज वर्कड इन फोर फिल्म्स एंड What are the difficulties when you face जब चार फिल्मों में काम कर चुके हैं हम डायरेक्टर के साथ. मतलब ठीक है ना आई कॉन्टेक्ट इनफ है समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हो आप और मैं शूट दे दूंगा. कि डिफिकल्ट भी कभी कभी होता है. नहीं नहीं इजी होता है इसमें डिफिकल्ट नहीं होता. अच्छा इजी होता है. बंदे को पता होता है कि ये चीजें हम कर चुके हैं. हाँ. इस चीज को हम थोड़ा नए ढंग से कहें. हाँ. और एक दूसरे का भी पता होता है कि अभी क्या टेम्पर है और अभी अगर बोल रहे हैं कि
और बेटर करते हैं इसको, मतलब पसंद नहीं आया है. और शुरू शुरू में मुझे था, एक दो डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया था, वो शॉट के बाद बोलते थे वाह वेरी गुड ऐसे, और अनुराग पाजी ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ बोलते नहीं है. अच्छा, तो वो दो मिनट लगता है समझने में कि ये शॉट ओके है या नहीं है. क्योंकि फिल्म जो है वो डायरेक्टर की होती है. और अनुराग सिंह, लाइक अनुराग सिंह पाजी, वेरी इंटेलिजेंट. ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन में, वो लाइफ में भी बहुत सुलझे हुए हैं. Which is good because you need to be sorted in real life and in the real life, right? ये genre पाजी बहुत कम बनते हैं overall, सिर्फ पंजाबी नहीं but overall इंडिया में ही ये genre बहुत कम बनाए गए हैं. इसकी वजह आप ये कि हम जैसे आपने अभी ये बुक पकड़ी है मार्वल की और ये डीसी कॉमिक्स, इनके साथ सब की पिक्चर भी आई है. हाँ पिक्चर भी आई है ऐसे ही. हाँ एवेंजर्स करके. अच्छा अच्छा, एक साथ सबको एक साथ मिला, थोड़ा थोड़ा साइड को हो जाओ बेटा. तो मैं ये मतलब ये आप बता रहे हो ना साथ में, हम कभी भी साथ में देखना चाहेंगे शक्तिमान और सुपर सिंह को भी, क्यों नहीं. 100% भाई सर, 100% ये बड़ी अच्छी बात की हमने, और ये भी इनके साथ भी. हाँ इनके साथ थोड़ा थोड़ा साइड करूंगा, ये थोड़ा ग्रीन वाला ज्यादा जगह ले रहा है. स्पाइडर तो हो ही जाएगा इधर, स्पाइडर तो यहाँ आ जाएगी मेरी फोटो भाई. यस पर क्यों नहीं. आपको क्यों लगता है कि ये जॉनर बहुत कम बनी है अपने देश में, क्यों. इज इट डिफिकल्ट टू मेक पंजाबी में भी. हाँ जी भाई, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं. आम हमारे जितनी भी पंजाबी फिल्म्स हैं उससे ज़्यादा बजट है. okay. और इस बजट पे रिस्क कम लेते हैं, कम लेते हैं. और थैंक्स टू बालाजी एंड ब्रैड फिल्म्स कि इन्होंने सोचा कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म हम चलो करते हैं. और क्योंकि बालाजी की पहली पंजाबी फिल्म है और ब्रैड फिल्म अनुराग सर का अपना प्रोडक्शन हाउस पहला स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप कि सब पसंद करेंगे. हमने सब ने बहुत मेहनत की है, इनके पैसे भी वापस आए और पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस हो. बट वी ऑल नो एकता कपूर एज दिस यू नो स्ट्रॉन्ग सेंसिबल इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर. अमेजिंग अमेजिंग. मैं तो मतलब इतना बोल्ड डिसीजन था कि सेम ये हमारी, हमने पिक्चर तो दो तीन साल पहले ही प्लान कर रहे थे, लेकिन ये उड़ा पंजाब के टाइम नहीं हुई प्लान. नहीं नहीं, हमारी प्लानिंग पहले से चल रही थी. अच्छा चल रही थी, लेकिन तब इनसे बात नहीं हुई थी. लेकिन मैं शौक था कि ये लोग फ्लाइंग जेट भी कर रहे हैं और सुपर सिंह भी कर रहे हैं, ये कैसे. मतलब अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो शायद मैं ये नहीं सोचता कि नहीं यार हम एक जॉनर की फिल्म कर रहे हैं, हम उसी जॉनर में सुपर हीरो में और मूवी नहीं करेंगे. तो ये लेकिन बहुत बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया, तो मैं तो प्रेज करना चाहूंगा इस चीज की. ये आई होप ये फिल्म चलनी चाहिए. वाह देखा, पॉजिटिविटी. दिस इज, दिस मैन्स फिल्ड विद पॉजिटिविटी. सो यू नो दैट, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम हिम, क्या सीखे आपने. नहीं चेंज तो बता दिया, अभी सीखे क्या है आप. नहीं मैं ये सीखती हूँ, आई सी दैट ये काम करते हैं और लेकिन एंजॉय करते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं. सो काम करते हैं, एंजॉय करते हैं. He doesn't complain and nag all the time. He so obviously when I see that how passionate he is, like जब आप सीन कर रहे हो तो he's so excited about it. Even if it's a small scene, he's excited and he's trying to give his 100%. And all of us know how hard he works. Yes. He's so busy, but he's doing multiple things at a time and giving his best in everything, in singing, in acting. So yeah, that motivates me. That how hard he works. I learned that from him. आप भी सीखते हैं आपके कोस्टार से काफी कुछ छोटी छोटी चीजें. ये बड़ा सोच समझ के खाती हैं जी. नहीं खाना सीख लिया है. मेरे से नहीं होता है, लेकिन बहुत बहुत मतलब कमाल की डाइट है इनकी. मतलब इतने बजे ये, इतने बजे वो. जब मैं 84 हम शूट कर रहे थे तो 12 बजे ये प्रोटीन 1:30 बजे पीती थी एक उसमें शेक प्रोटीन शेक. हाँ प्रोटीन शेक. हमें तब, मैंने तब जिम विम ज्यादा शुरू नहीं किया था और मैंने ये मुझे पता नहीं प्रोटीन क्या होते हैं. तो मैं कहा यार वेरी गुड, क्या 12:30 के 1:30 बजे 12:30 हाँ मुझे याद है 12:30 ये प्रोटीन पीते थे. और उसके बाद पाजी बताते थे कि जिम, फिल्म के बाद जिम करते हैं. जिम करेंगे, वेरी गुड. आज हम तो जिम करते नहीं थे, तो ये सब चीज़ें. और अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है. चलो उन्होंने मेरे बल में सब बोल दिया, लेकिन एक्चुअली मैं 84 में जिस दिन इनका काम नहीं भी था, लेकिन तब भी ये सेट पे होते थे देखते कि बाकी एक्टर्स कैसे कर रहे हैं. और किरण जी थे उसमें, तो ऑब्वियसली आप हर बंदा चाहता है देखना कि एक अच्छा एक्टर कैसे काम कर रहा है. तो ये सब चीज़ें. हाँ जी पाजी, एंड दिस क्वेश्चन गोज टू यू आल्सो सोनम, ड्रामा और कॉमेडी में व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड गिव योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टू, राइट ओके चल दिस इज गोना बी अ केक वॉक फॉर मी.
ड्रामा और कॉमेडी इजी जॉनर जिसमें ज्यादा मजा आता है करने में? ड्रामा इजी, ड्रामा कोई भी क्रिएट करवा लो कोई भी कर देता भाई, कॉमेडी टफर टफर। वो कॉमेडियन जो आपको इंस्पायर करे हैं लाइफ में? गोविंदा सर कॉमेडी में बहुत कमाल लगते हैं, क्या टाइमिंग क्या एक्सप्रेशंस, मतलब मैं थोड़ी देर पहले थोड़े टाइम पहले उनसे मिला था, तो वो हमारे सेट पे थे राइजिंग स्टार पे, तो वहाँ राघव बहुत अच्छा डांस करता है, कमाल का, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ उसे, लेकिन वो डांस कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब गोविंदा जी उसी चीज़ पे उन्होंने डांस किया, तो वो क्या लर्न करने वाली बात थी कि वो जब राघव डांस कर रहा था तो इतना टफ लग रहा था मुझे कि वाव क्या टफ डांस कर रहा है, लेकिन जब वो गोविंदा सर ने किया मुझे टफ नहीं लगा, वो उन्होंने हाथ पैर से कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने फेस से कुछ किया, लोगों को ऐसा लगा वाव, तो मैं कहा यार कमाल हो गया इस बंदे ने कुछ नहीं किया, फेस से दो तीन चीजें ऐसी की हैं एक्सप्रेशन से, एक तो ये बहुत आसान हो गया और ऊपर से लोग ऊपर इतना मजा आया, मैं कहा यार ये चीज मिसिंग है, मिसिंग है। हुँ, हुँ, हुँ. बहुत तकड़ा डांस तो है वो मिसिंग है, वो गोविंदा जी को। आपने बताया नहीं ड्रामा और कॉमेडी में? आई थिंक फॉर मी ऑल्सो मुझे कॉमेडी थोड़ा टफ लगता है, बट आई वुड लाइक टू डू इट। ड्रामा तो नहीं ड्रामा सो या ड्रामा फॉर मी आई थिंक इट्स मोर कम्फर्ट इजी कम्पेयर टू कॉमेडी। चले अभी एक लास्ट गेम खेल लेते हैं, नेवर हैव आई एवर स्केर्ड अ किड। बच्चों को डराया? हाँ अनइंटेंशनली, ऐसे जानबूझ कर नहीं। अच्छा मैंने तो जानबूझ के भी डराया है। अच्छा हाँ। क्या मजा आता है मुझे जब कभी मॉल में या वो शॉपिंग में करते हुए पेरेंट्स थोड़ा इधर उधर होते हैं ना और बच्चा भी जरा ऐसे खड़ा होता है, तो मुझे बहुत बहुत मौत रहे बेचारे डर जाते हैं। बट दे हैरेस यू क्योंकि अरे यार आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, आई एम अ बिग फैन। नहीं नहीं वो वाले बच्चे नहीं, वो छोटे छोटे नहीं होते जो ऐसे देखते हैं आपको ऐसे, मतलब कुछ तो ऐसे से नहीं करते रहते और उनके घर वाले हमारा बच्चा क्या, तो मुझे बहुत मजा आता है। यू कभी कभी वो बच्चे होते हैं ना जो आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होते, दे लाइक क्राइंग एंड क्रिपिंग ऑल द टाइम, टू देम आई हैव इट। उनको नहीं, उनको नहीं, वो तो बेचारे नहीं कोई जबरदस्ती जानबूझ के करते हैं ना जिद। अच्छा उनको Never have I ever hated a superhero film. मैंने सब देखी हैं, पसंद नहीं है। सब पसंद है, very good. Never have I ever laughed so much that I cried. हाँ जी, आँख से आंसू निकले। अच्छा, गोविंदा जी? नहीं अभी मैं अभी प्लेन में था और एक दिन पहले ही आया हूँ। हाँ। एक पिक्चर थी उसमें Wake Up Smith करके। तो वैसे मैं बहुत वेल मैनर्ड रहता हूँ, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे और मैं इतनी जोर जोर से हंस रहा था, मेरे आंसू आ रहे थे और मुझे नहीं पता था वो पीछे से एरो से आई। वो पहली बार मेरा एम्बेरस मोमेंट है ये। अच्छा। उन्होंने बोला कि वो पीछे लेडीज सोना चाहती है और तुम बहुत जोर से हंस रहे हो, प्लीज ऐसे मत करो। तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं फिल्म में इतना खो चुका था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं प्लेन में हूँ, मतलब आधे पौने घंटे बाद तो मैं सरेंडर कर चुका था उस फिल्म में। तो मैं बहुत हंसा, जैसे रो दिया इतना हंस के, कंप्लेंट भी हुई, एम्बेरस भी हुआ, तो अभी एक दो दिन के पहले की बात तो याद है। ओके एंड यू? मैंने भी रिसेंटली आई थिंक कल परसों ही एक वीडियो देखा जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, हाँ मधुरजीत सरगी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक वीडियो बनाया है, कुछ पंजाबीज जब कहीं डेथ हो जाती है तो वो जब अफसोस करने के लिए जाते हैं तो क्या पैटर्न होता है, तो मैं उसका बिहाइंड द सीन्स देख रही थी, आई जस्ट हैपन टू सी इट ऑन यूट्यूब, और मैं अकेले बैठ के इतना जोर जोर से हंस रही थी बहुत ज़्यादा, सो आई थिंक इट वॉज वेरी फनी। ओके Never have I ever street shopped in India after being famous. Street shopping करी है? Yeah, मतलब after दिलजीत दोसांझ street shopping कर रहे हैं? नहीं करी है आपने? Obviously. Yeah? कोई मतलब भीड़ भाड़ नहीं हो जाती? हो जाती है। उन्हें आप बड़े तरीके होते हैं। अच्छा. Of course डराते हैं ना बच्चों को. And you? Sorry. I have. Of course I have. You have street shopping? Yeah. Street shopping multiple times. Yeah. Never have I ever cried after hearing a song. कौन सा गाना था वो? कोई बहुत गाने में सुन के रोता हूँ। अच्छा एक्चुअली मैं नहीं, केवल मैं गाते गाते रो देता हूँ।
अब खुद गाऊंगा, लेकिन वो गायकी पे नहीं, जो उन्होंने लिखा होता है वो इतना हैवी होता है कि वो बोल नहीं होती बात। मुझे लगा आप इमोशनल होके भी रोल लेते हो। हाँ वही ना, वही वही जो उन्होंने लिखा होता है वो वर्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बात ही नहीं बोली जाती आपसे। अच्छा, ऐसे होता है। आई गॉट इट, ओके ओके। एंड नेवर हैव आई एवर वॉच्ड अ मूवी ट्वाइस टू अंडरस्टैंड इट। नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंड के लिए नहीं, मजे के लिए। भैया इसका पता नहीं क्या करूँ। नेवर अंडरस्टैंड के लिए नहीं। अच्छा, दो बार देखिए। हाँ यार देखिए, दो तीन चार पांच। सॉरी, एक पिक्चर देखी मैंने। ओ अंडरस्टैंड के लिए। हाँ बोलिए। हाँ एक पिक्चर देखी मैं, नाम भूल गया। और उसमें एक गाना था, गिरी शुदा गुमना, नहीं देखा, नहीं देखा आपने? कुछ नो आई डोंट बब बबली बेबीलोन से फिर देखूंगा यार, नहीं समझ आई मुझे। तो बाद में मुझे पता चला मैंने सेकंड हाफ पहले देखा, फर्स्ट हाफ देखा, उसके बाद मैंने फिर फर्स्ट हाफ पहले देखा, फिर सेकंड हाफ देखा, फिर थोड़ा समझ आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने तो करी नहीं है, आप करें। क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, एक्सेंट थोड़ा बहुत पता है जो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, तो एक आधा एक्सेंट मैं हर बार चुरा लेता हूँ कुछ, फिर वो चलता है। एग्जांपल अच्छा, एक डेढ़ महीना चलता है एक्सेंट, फिर वो तैयारी भी तो करनी है। इफ यू गो आउट राइट, हां तैयारी भी तो करनी है। मतलब लास्ट वाली कौन सी थी, कौन सी एक्सेंट थी? योर व्हाट्सएप बारी नहीं, सब नॉट व्हाट्सएप, सब सब ओनली एसयूपी, ओनली एसयूपी। हां व्हाट्सएप की तो ये थी, और पता नहीं याद नहीं, लेकिन व्हाट्सएप की तो ये है सब। हां सब सब, ओके ओके, सब 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 सब, दैट्स नाइस। तो वो चलता रहता है अभी, आप भी भेजते रहते हो व्हाट्सएप मैसेजेस सब सब। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। हमारी पिक्चर आ रही भाई 16 जून को, बातें और ही होगी, प्रमोट करें। हाँ, सुपर सिंह 16 जून को रिलीज होगी, आप अपनी फैमिली के साथ जाकर देखें। जिन्होंने हिंदी पिक्चर्स देखी हैं वो भी देखें, पंजाबी वाले तो देखने ही देखने, साडे थोड़ी अपनी पंजाबी सुपर हीरो। मज़ा जेड़ा, जो मज़ा आप क्या बोलोगे हिंदी में मज़ा होता है, मज़ा आएगा, मज़ा 100%। Hi guys, this is Sonam Bajwa. Hi, this is Diljit Dosanjh and you are watching Bollywood Times with Divansh Patel.